दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में आपको बस्तर यूनिवर्सिटी से यहाँ पर नोटिफिकेशन देने वाला हूँ। तो यहाँ पर सेमेस्टर एग्जाम होने वाले हैं, तो उसका एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और 20 मई तक आप लोग ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो किसके किसके लिए है, कौन कौन से क्लासेस के लिए और जो है इसमें परीक्षा फीस क्या होगी और किस किस सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भरना है, तो उसको मैं यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार MA, MSc, MCom, MSW, BEd, MBA, MCA, इसके चतुर्थ द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर जिसमें नियमित भूतपूर्व ATKT वाले रहेंगे और ATKT वाले के लिए फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर रहेगा। BBA के नियमित भूतपूर्व और ATKT वालों के लिए सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर और लॉ वाले के भाग 1, 2, 3 का सेकंड सेमेस्टर और ATKT के फर्स्ट सेमेस्टर। DCA, PGDCA, PGDG MC, PGDTA का सेकंड सेमेस्टर और यहाँ पर जो है इतने सारे जो कोर्सेस है उसके लिए ऑनलाइन रूप से परीक्षा आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। 20 मई तक स्टार्ट हो चुकी है, तो डेट यहाँ पर देख लीजिए 13 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, 20 मई तक आप लोग भर सकते हैं। और यहाँ पर जो आप लोग आवेदन फॉर्म भरेंगे तो उसकी हार्ड कॉपी में पिछले सेमेस्टर के अंक सूची सहित संबंधित महाविद्यालय में वेरीफाई करवा कर इसका जो हार्ड कॉपी आपको जमा करना है कॉलेजों में, वो 13 मई से लेकर 21 मई तक आप लोग जमा कर सकते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फीस के बारे में मैंने बोला था, तो फीस यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग दिया हुआ है। तो MA, MCom, MSc के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए यहाँ पर ATKT का परीक्षा शुल्क 720 रुपये रखा गया है। MA, MCom, MSc सेकंड, फोर्थ सेमेस्टर में यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ साथ मिलाकर टोटल यहाँ पर 1220 रुपये रखा गया है और ATKT के लिए 720 रुपये है, ठीक है। MCA के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए यहाँ पर ATKT परीक्षा शुल्क 1610 रुपये है और MCA सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ सेमेस्टर के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मिलाकर टोटल यहाँ पर 2235 रुपये है और ATKT के लिए 1610 रुपये है। MSW के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए ATKT वालों के लिए यहाँ पर 720 रुपये रखा गया है और MSW सेकंड, फोर्थ सेमेस्टर के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फ़ीस को मिलाकर 1220 रुपये है और 720 रुपये ATKT वालों के लिए। MBA के फर्स्ट, थर्ड सेमेस्टर के लिए 1045 रुपये ATKT वालों के लिए है। MBA के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ यहाँ पर मिलाकर 1525 रुपये है और ATKT के लिए 1045 है। LLB पार्ट 1, 2, 3 के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ATKT वालों के लिए 720 रुपये है। LLB पार्ट 1, 2, 3 के लिए सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर के लिए यहाँ पर जो है 1100 रुपये है और ATKT वालों के लिए 720 रुपये है। BBA सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर के लिए 1330 रुपये और ATKT वालों के लिए 720 रुपये है। PGDCA सेकंड सेमेस्टर के लिए 1485 रुपये है और ATKT का 720 रुपये है। DCA सेकंड सेमेस्टर का 1485 है और ATKT का 720 है। BEd फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए 720 है ATKT वालों के लिए। BEd सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए 1135 है और ATKT वालों के लिए 720 रुपये है। और इसके अलावा भी आपको ऑनलाइन सत्यापन नियमित भूतपूर्व ATKT के परीक्षार्थियों के लिए 30 रुपये लग सकता है और लघु शोध के लिए 180 रुपये लगेगा। वो ऐसे परीक्षार्थियों को लगेगा जिन्होंने स्नातकोत्तर स्तर पर लघु शोध प्रबंध का चयन किया है अथवा लघु शोध प्रोजेक्ट कार्य जिनके लिए अनिवार्य है, उन्हें 180 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। और विवाह उपरांत नाम या उपनाम में परिवर्तन करने के लिए 150 रुपये, ये केवल महिलाओं के लिए है, ठीक है। और राज्य शासन के निर्णय अनुसार जो दृष्टिहीन परीक्षार्थियों को ये जो परीक्षा शुल्क है उसमें छूट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरना आपको पता ही है, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग भर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म में जाकर सेमेस्टर में क्लिक करके अप्लाई नाउ पर क्लिक करके यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, फिर यहाँ पर आपको आगे के फॉर्म अच्छे से भर लेना है, फिर फीस भी यहाँ पर भरना है।
तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क के ऑप्शन में जाकर आप लोग नियमित भूतपूर्व एटीकेटी वाले जो भी है उसके हिसाब से आप लोग सिलेक्ट करेंगे और भारतीय स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके आप लोग यहाँ पे शुल्क भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है एग्जाम फीस का आप लोग अगर भुगतान कर दिया है और अकाउंट से अगर निर्धारित शुल्क की राशि कट गई है, ट्रांजैक्शन स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, तो फिर आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करना है। पोर्टल में ट्रांजैक्शन कंप्लेंट में जाकर ऑनलाइन भुगतान करते समय ट्रांजैक्शन आईडी को दर्ज करें, ट्रांजैक्शन आईडी को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ट्रांजैक्शन सेटलमेंट पर क्लिक करें। तो यहाँ पर बार बार भुगतान के प्रयास से अधिक भुगतान होने पर फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। तो एक बार अगर आपका पेमेंट हो चुका है तो वेट कीजिए, ट्राई सेटलमेंट का प्रयोग करें, दोबारा से पेमेंट आपको नहीं करना है। और टाइम टेबल जो है इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा, वो मैं अपने चैनल पर आपको आगे बताऊंगा जब इसका टाइम टेबल आएगा। और एडमिट कार्ड जो है जब टाइम टेबल के हिसाब से जिस दिन पेपर रहेगा उसके एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड जो है ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यही नोटिफिकेशन था आज की डेट में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।